अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ रखे। और मेरी यही दुआएं आप सब के लिए, और खैर आफियत हो हमारे घरों पे, फजल रहम करम की दुआ करती हूँ। और यही मेरा मामूल है, रोज़ की रूटीन में है माशाल्लाह। सब के लिए दुआगो, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में सबको रखे। और अब हम आते हैं किचन की तरफ, तो बस यही सोचते हैं कि आज क्या बनाया जाए। तो जब हम किचन में आते हैं तो मैं कहती हूँ कि फ्रिज खोल दे होते हैं, कर लो जो कुछ भी है। तो बस वो जब देखते हैं मैं कहते हैं वो कतरा कतरा माशाल्लाह काफ़ी वो दरिया बन जाता है। तो इसलिए जब मैं फ्रिज में हाथ डालती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ नज़र आती जाती है। कोई सैलड की आ गई, मैंने कहती चलो ये भी निकल आई, सैलड का भी सामान निकल आया। अब ये हमारे पास ये बन रहा है आलू गोश्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की तो बहुत नेमतें रहमतें अल्लाह ताला ने दी हैं हमें, और जितना भी हम शुक्र करें काम में, तो अल्लाह के फजलो करम से घर में माशाल्लाह चीज़ें रखी हुई होती हैं। और लेकिन ये सोचते हैं ना आज क्या पकाया जाए। अच्छा आलू गोश्त बना लें, अच्छा नहीं ये परसों बनाएगा, आज चले सब्ज़ी बना लेते हैं। अच्छा बच्चे भी इतराज़ करने लगते हैं कि सब्ज़ी नहीं ना, ये ना बनाइएगा वो ना बनाए। तो इसी सोच से चलते हुए फिर कोई ना कोई चीज़ें निकालते हैं बची कुची कि भाई ये आज फिश पड़ी हुई थोड़ी सी इसी को फ्राई कर लेते हैं। साथ फिश फ्राई कर ली है और साथ में मैंने इधर जो दूसरी तरफ साथ ही मैंने दाल चढ़ा दी है। और एक तरफ हमारा मीट का पार्ट हो गया, दूसरी तरफ हल्का फुल्की गज़ार दाल, और साथ में सैलड बन रही है। लच्छेदार प्याज कट गए हैं माशाल्लाह, और अभी हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब देखने साथ ही ना मैंने नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग भी की है, और उसमें देखें बच्चों ने क्या किया। ये लड़कों ने बॉयस ने बनाया, और ये चिकन कढ़ाई बनाई है, और बड़ी मज़े की कढ़ाई है। और इसमें थोड़ा सा आलू डाले हैं उसका फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए। और ये देखें गार्निश हो रही है अब चीज़ें इसके ऊपर उसकी सजावट के लिए। अब साथ ही देखें अब हम इसको चेक करते जाएंगे चम्मच हिला के, और कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। और ये मेरा काम नहीं है, ये बच्चों का ही काम है सारा, और मैंने तो रेस्ट की है। और ये देख लें अब ऊपर इनकी तैयारी हो चुकी है। अब देखें हरी मिर्च काटी है, और हरा धनिया, अदरक, और इनको ऊपर जो मेथी को मसल के तो वो डाली है इसके ऊपर, और इसका ताकि रोमा निकल आए। और इसके साथ ही इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। कढ़ाई बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की कढ़ाई बनी है माशाल्लाह। ऐसे ही मैंने पहला नवाला लिया तो दिल इतना खुश हुआ, बाग बाग हो गया, और माशाल्लाह इतनी प्यारी कढ़ाई बनी है चिकन कढ़ाई। मैं आज सफ़ेद लोबिया बना रही हूँ, लेकिन बच्चों ने प्लेट में जापानी फल काट के रख दिया, तो साथ साथ ये भी खाएं क्योंकि थकन हो गई होगी आपको भी, और साथ साथ अपने आप को थोड़ा फ्रेश भी करें। और ये प्रोटीन से भरपूर होता है, और मैं अक्सर इस जब भी बनाती हूँ चम्मच से खा लेती हूँ, या रोटी भी हम लोग इसके साथ खाते हैं। आप चम्मच से खाना चाहें इससे भी खाएं तो बहुत अच्छी डाइट है ये। और दूसरी तरफ देख लें बच्चों के लिए पास्ता बन रहा है, और बच्चों का फेवरेट डिश है। इनसे ले दे के कुछ भी कह लें तो पास्ता ज़रूर होना चाहिए, तो इसलिए चले हम कहते हैं बच्चों की भी सुननी चाहिए ना हमें, तो बच्चों के तभी कभी कभार पास्ते की डिश ज़रूर बना लेते हैं ताकि बच्चे इंजॉय करें। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग बाहर निकले, और वो कहने लगे आज तो हम ना बाहर पिज़्ज़ा ही खाएंगे। हमने कहा भाई कुछ और भी खा लो, कुछ चेंज करो अपने आप को, नहीं नहीं पिज़्ज़े को बड़ा प्रेफर करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो पिज़्ज़ा इनकी फेवरेट है, तो सोचा कि ठीक है पिज़्ज़ा ले लेते हैं, तो बच्चे इंजॉय करें जिसमें बच्चों की खुशी है। अल्लाह ताला की शान है, देखें अल्लाह पाक का करम है कि पहले इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो थी, और मेरे ख्याल ये 2-3 दिन लगे इस स्नो को मेल्ट होने में, और इतना नॉर्मल वेदर हो गया है लगता ही नहीं है। हम ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान का मौसम होता है वो, और इतनी सर्दी तो पाकिस्तान में भी होती है,
और साथ साथ ये देखें हमारे घर के फ्रूट हैं, ये नाशपाती है, नाशपाती हमारा ये पहला फल उतरा है इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने आप फल जो है नेक्स्ट ईयर उतरेगा तो आप सबको भी खिलाऊंगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। और ये हमारे घर का पुदीना, टमाटर, मूंगरे, ये सब चीज़ें वो उतारी हैं ताज़ी फ्रेश, और करेले हैं, बैंगन है, आपने इतनी नेमतें दी हैं कि हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुकलाएंगे। आप ये देखें ना, मैं सब्जी मैं अपने बैक यार्ड से तोड़ के ला रही हूँ। आप ये हिरन की भी आप स्टोरी सुन रहे, हिरन कहाँ से आया, यहाँ तो कोई जू नहीं है, किसी ने घर में नहीं रखा हुआ, लेकिन हमारे घर के एक घर छोड़ के बिल्कुल साथ ही फॉरेस्ट है, और वो ट्रेल से चलता हुआ हिरन और उसका बच्चा आया और जल्दी से ये रोड पे घूमने लगे, और भी जा रहे थे उसकी जो हिरन की, हिरन बड़ा हिरन जो था उसकी वालदा कह लें, माँ कह लें, वो भागा गया आगे और इधर से इसकी नज़रों से ओझल हो गया, ये बच्चा भागा फिर रहा है इधर उधर इन्हीं रोड्स पे हमारे, और दिल बहुत बुरा हुआ कि बच्चा आई हो गया। तो देखे मैंने आज मैं बना रही डाला है हूँ कि भिंडी चिकन, वैसे भी मना और करते हैं प्याज तो तो आपको ज्यादा पता नहीं है इसमें खाने, थोड़ा सा मेरा कच्चा। खाने में लिमिटेड ऑयल होता है, और ये देखें कभी कभी हो आपने जाता है ज्यादा कभी हो भी। जाता है, लेकिन बास खानों में हमें डालना भी पड़ता है, लेकिन अब ये आप देखें कि कितना प्यारा मसाला और चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब मैंने ये भिंडी रखी हुई है साथ में, इसमें भी हल्का सा मैंने ऑयल डाला है और इसको बड़े तरीके से मैंने फ्राई किया है, ऑयल का कोई भी आपको ड्रॉप नज़र नहीं आ रहा। अब हल्के हाथ से ना मैं भिंडी और बस चिकन को ये मिक्स कर दूंगी हमारी रेडी होने को और है। बस हरी फिर इसको मिर्च भी दाम कर मैंने दूंगी, डाल दी है, फिर थोड़ा सा प्याज भी डालना गार्निश करूंगी। जी जी प्याज देखें, भिंडी हो गई, करेले हो गए, ये तो खास जूस है ये प्याज जो है इनका, सब्जियों का ये तो ज़रूर डलता है। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा बहुत।